सिटी लाइव डायलॉग सेशन में मैं फारूक आफरीदी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परीक्षित सिंह, जो काव्या फाउंडेशन के सीईओ और अध्यक्ष हैं, कवि हृदय हैं और खुद चिकित्सक हैं। उसके बावजूद आपके अंदर संवेदना का एक गहरा समंदर है, एक उनकी जो लहरें हैं वो दूर दूर तक फैल रही हैं। डॉक्टर परीक्षित सिंह, आप राजस्थान के जयपुर शहर से हैं। आज से 25 साल पहले लगभग आपने मेडिकल में यहाँ पर मेडिकल की परीक्षा पास करके एक चिकित्सक के रूप में एडवांस स्टडी के लिए अमेरिका का रुख किया था, लेकिन आप वहीं के होकर रह गए। उसके बावजूद आप इस धरती को अभी भी याद रखते हैं। इस धरती के प्रति आपका जो मोहब्बत है, प्यार है, स्नेह है, उसको आप जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के नाते जो एक संवेदनशील तो होता ही है, लेकिन आप कवि भी हो गए। इसकी जो आपकी कवि की जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? फारूक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कविता से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है जी। मुझे याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था, कि 15 साल का था जब मैंने पहला प्रयास किया था, और गलतियां भी की, पर उस समय से मैं प्रयास करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया प्रयोग करके, जो भी भाव उठते हैं उसको किस तरह से मैं व्यक्त कर सकूँ, यह मेरा प्रयास रहा है। तो धीरे धीरे फिर कुछ कुछ लोगों को पसंद भी आने लगी, और भारतीय अध्यात्म से मेरा जुड़ाव था, और भारतीय अध्यात्म तो नहीं कहना चाहिए, अध्यात्म तो अध्यात्म है, पर यहाँ से जो मैंने सीखा वो खुद स्वयं का हिस्सा बन गया जी। तो जब मैं जुड़ाव तो भारत से जब मैं वहाँ रह गया तब भी रहा जी, पर अब थोड़ा व्यावहारिक रूप से बाहर आने लगा है जी जी जी। तो ट्रेनिंग करने के बाद वहीं मैंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की जी, और वहाँ बिजी भी था, बहुत व्यस्त था, किंतु उसके बाद भी काव्य से, कविता से, साहित्य से मेरा जुड़ाव अंतरंग रहा है जी। तो वही अब बाहर निकल रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कविता जब आप करने लगे तो आपके जो भाव होते हैं वो जो आने लगे, उनको आपने कलम लेकर अपने कागज़ पर उतारा होगा पहले, फिर उनको अपने किसी और को सुनाया होगा, तो आपकी पहली जो कविता थी उसकी श्रोता कौन थी या उसका श्रोता कौन था? मेरे मित्र हैं, वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं, उनसे आप मिले भी थे जो हमने इंग्लिश पोएट्री सेशन किया था, पार्थो जी जी। तो उनको जब पहली बार मैं मेडिकल स्कूल में था, जब मैं मिला था जी, तो वो सेंट स्टीवन से इंग्लिश का कोर्स बैचलर्स करके आए थे, और उनको ऑक्सफर्ड वगैरह जाने का भी न्योता था, पर वो गए नहीं जी। पर उनसे मैंने बहुत सीखा, उन्होंने फिर जैसे हमने बात की मेंटोरिंग प्रोग्राम की जी, तो उस समय तक मेरा अंग्रेजी साहित्य से कोई लगाव नहीं था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को उस समय तक केवल हिंदी साहित्य से मेरा लगाव था जी, तो उन्होंने मुझ में अंग्रेजी साहित्य के प्रति भी रुचि मेरी बढ़ाई, जागृत की, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अंग्रेजी साहित्य में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारा काम हुआ है। तो उस समय तक मेरे लिए भारतीयता काम अर्थ था कि अब अंग्रेजी से दूर रहें जी। हाँ, पर उन्होंने, उनको पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, व्यापक होना पड़ेगा जी। हाँ, अपना दृष्टिकोण बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है जी। तो अंग्रेजी साहित्य से मैंने बहुत सीखा है जी। और उसको फिर मैं हिंदी में उतारने की, अपनी लेखनी में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय साहित्य में आपने किन को पढ़ा और अंग्रेजी साहित्य में आपने किन को पढ़ा, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया और जो आपके बहुत नज़दीक लगता है, जो आपको बहुत प्रिय लगता है?
देखिए अंग्रेजी साहित्य में तो उनका जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, 1400 अगर आप 14वीं सदी से मान लें, चौसर और उसके बाद फिर शेक्सपियर आए, बड़े बड़े क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, उसके बाद फिर मेटाफिजिकल पोएट्स आए, डन, क्रॉशॉ, हर्बर्ट, फिर उसके बाद आपके रोमांटिक पोइट्री, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, ब्लेक, उसके बाद जब अभी ये मॉडर्निस्ट आधुनिक काव्य आया, एलियट, एजरा पाउंड, ई कमिंग्स, उनसे मैं प्रभावित हुआ जी। उनसे मैंने सीखा हिंदी में, क्योंकि हिंदी का साहित्य बहुत छोटा सा है, हिंदी जो खड़ी बोली का साहित्य है, हालांकि हमारा जो जो साहित्य है बहुत सदियों से चला आ रहा है, अगर आप मान लें कि ऋग्वेद और उपनिषद वगैरह भी हमारे हमारी हाँ इतिहास में आता, हाँ तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। भारतीय साहित्य में मुझे सबसे अधिक प्रेरणा मिली एक तो श्री अरविंद से, जिन्होंने अंग्रेजी में सावित्री लिखी, महाकाव्य लिखा। उससे पहले महाकाव्य भारत में तो केवल मेरे जो ध्यान में है वो रामायण और महाभारत ही हुए थे, राष्ट्रीय भाषाओं में हुए होंगे पर मैंने उन्हें पढ़ा नहीं जी। तो वो बहुत बड़ा प्रयास था और कई जगहों पे उन्होंने जो भारतीयता उसमें उतारी, जो रंग उतारे, मिथक भी भारतीय था, उसका दर्शन भी भारतीय था और उसके रिदम जो लय जो होती है वो भी भारतीय उन्होंने उतारने की अंग्रेजी में प्रयास किया। फिर उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा गेय जी को, मुक्तिबोध जी को, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। फिर क्या होता है जब आप दूसरों को पढ़ते हो ना, तो एक तरह से तो अच्छा भी है कि आप प्रेरणा पाते हो, बुरा ये है कि आप उन्होंने जो कर लिया है वो आप नहीं कर सकते जी, हमें उसके आगे बढ़ना होता है। हाँ, अपना अपनी आवाज ढूंढनी पड़ती है, खुद को ढूंढनी पड़ती है, अपनी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है जी। तो पंत निराला जी को भी पढ़ा जी, तो जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया अपने समय के हिसाब से, छायावाद में या प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में, पर अब जो नई आवाज़ है उसको तो अपना स्वर खुद ही को ढूंढना पड़ेगा और ये मेरा प्रयास रहा है। मैंने आपकी कुछ कविताएं सुनी हैं विभिन्न मंचों पर, हिंदी में भी सुनी और अंग्रेजी में सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन कविताओं में हमारा जो आध्यात्मिक रूप स्वरूप है या जो उसमें हमारा जो दर्शन है भारतीय दर्शन, उसकी झलक ज़्यादा मिलती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि बचपन से ही मैंने, बचपन तो मतलब जब मैं 15-16 साल का था, मानसिक बचपन जिसे कह सकते हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा भारतीय दर्शन की तरफ बहुत रुझान हुआ और मैंने विभिन्न दार्शनिकों को पढ़ा, वेस्टर्न जो है पाश्चात्य दार्शनिकों को भी पढ़ा जी, और शुरू से पूरा प्लेटो, एरिस्टोटल से लेकर शोपेनहावर, नीची और सार्त्र, कमू जो अभी आए हैं, विटकिनस्टाइन, देरीदा, उन सबको मैंने पढ़ा। पर भारतीय दर्शन में जो पूर्णता है जी, जो हमारे जिनको अपन हमने तो धर्म मान लिया, पर उसमें धर्म से गहरे कुछ और सत्य हैं जी, उसको अगर हम धर्म की बजाय सत्य की जैसे देखें जी, तो उसमें बहुत कुछ सुंदर है, बहुत अच्छा है और वह जीवंत है जी, उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम क्या है वो, हालांकि अब धर्म अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको मैंने दर्शन की तरह से सीखा और उसको जीने का प्रयास भी किया। तो जब आप किसी चीज़ को अपने अंदर उतार लेते हैं तो वो अपने आप बाहर झलक जाती है शायद, तो इसी प्रकार से कविता में भी वह शायद प्रकट हुई है। मैंने ये भी देखा है कि आपने अपने इस दर्शन का जो आपका दृष्टिकोण है और जो आपने ग्रहण किया है उसको शामिल करते हुए, उसका समावेश करते हुए कुछ आलेख भी तैयार किए, जिसमें मुस्लिम धर्म पर भी है और दूसरे धर्मों पर भी है, वो आलेख भी आपके पढ़ने में मेरे आए हैं। तो आप कविता के साथ गद्य भी लिखते रहे हैं जी, तो आगे और क्या विचार है इस बारे में, उसको कैसे और विस्तृत रूप आप देना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने लिखे थे ये लेख, ये 9/11 जब हुआ था उसके बाद ही एकदम से लिखे थे जी, और उस समय ख़ास तौर से जहाँ पर हैं वहाँ हमारे जो डॉक्टरों की कम्युनिटी थी वो 3 हिस्सों में बट गई थी। अच्छा। तो कुछ लोग मिडल ईस्ट से आए थे डॉक्टर, कुछ लोग भारतीय थे और कुछ लोग वहीं के थे जी। तो ये गद्य लिखने का प्रयास वापस सबको जोड़ने का प्रयास था जी।
जैसे बाइबल में कहते हैं ना, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, धन्य हैं वे जो शांति का प्रयास करते हैं। तो मेरा भी यही प्रयास था, तो इसलिए मैंने विभिन्न धर्मों पे, बुद्धिज्म पे, हिंदुत्व पे, इस्लाम पे लिखने का प्रयास किया। गांधी जी पर भी आप? गांधी जी पर भी लिखा, हालांकि मैं अब कह सकता हूँ पढ़ने पर कि मेरी समझ इतनी गहरी नहीं थी उस समय जी। पर उसके आगे फिर कहीं आगे समझ गहरी हुई है, पर उस छोटा सा प्रयास था। अब तो लिखना ज़्यादातर मेडिकल पे होता है या साहित्य पे होता है। अभी तक मैंने प्रयास नहीं किया कि वापस धर्मों पे लिखूं जी। और उसके बाद से सब कितना कुछ बदल गया, तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है कि कुछ ऐसा भी नहीं लिख दें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। पर आपकी बात ठीक है, मैंने गद्य में भी उसे उतारने का प्रयास किया था एक समय। आप अपनी चिकित्सा के जो पेशे में हैं और दूसरी तरफ आप साहित्य के प्रति आपका गहरा रुझान है, इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठा लेते हैं? सी, कविता तो इतने साल से लिखता आ रहा हूँ, 1983 से, तो करीब 35 साल हो गए, तो वो खून में ही आ गई है जी। जैसे आप कहते हैं कि आप सांस ले रहे हैं और आप मरीज़ को देख रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं दोनों? तो वो अपने आप नैसर्गिक रूप से अपने आप उठती है, और जब उठती है तो जल्दी से जो भाव आता है उसको लिख दूं, तो वो उसको फिर बाद में मान सकते हैं, पर जो भाव आता है उसमें और लिखने में कोई दूरी नहीं होती कि मैं सोचूं और उसके बारे में फिर कल्पना करूं और फिर लिखूं। जो भी भाव आता है अपने आप उतर जाता है, तो वो शायद अभ्यास या साहित्य साधना कह लीजिए, तो इसलिए मुझे अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। और मरीजों के साथ जो हैं, अगर आप वो रिश्ता बनाएं, गहरा रिश्ता जोड़ें, तो वो आपको धरातल पे रखते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। आप उनकी नब्ज जांचें, आप उनका दुख सुने, आप ये सुने कि किसको क्या तकलीफ है जी। तो आप फिर दर्शन अच्छी चीज़ है, पर वो दर्शन आपको ऊपर उड़ाता ले जाता है, तो कई बार आप धरातल छोड़ देते हैं जी। तो वो मैंने कई बार प्रयास भी किया कि मैं ये चिकित्सा का काम छोड़ दूँ, पर छोड़ नहीं सका। नहीं नहीं, दोनों ही सेवा है, मानवता की सेवा है। हाँ, कविता भी मानवता की सेवा है और वो भी जी। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सबसे पहली किताब हिंदी की या अंग्रेजी कविता की कब आई, और अब तक कितनी किताबें आ चुकी हैं? उसके बाद हम काव्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली किताब तो हमारी आई थी छुट्टी के दिन, जो मैंने अपनी बचपन बच्चों के लिए लिखी थी, काफ़ी कुछ कविताएँ। हाँ, तो ये शायद मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले छपी थी जी। मुझे 2011 में छपी थी, और इसमें मैंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी थी, वो आगे लगाई। उसके बाद कुछ उर्दू में भी लिखने का प्रयास किया। अच्छा अच्छा। हालांकि अब मैं कह सकता हूँ कि प्रयास काफ़ी तौर से असफल रहा, क्योंकि अच्छा। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है जी। उसमें नफासत नहीं है, पर प्रयास किया और कुछ एक शेर शायद काबिले बर्दाश्त हों। पर उसके बाद दूसरी कविता स्वयं का घुसपैठिया पिछले साल लिखी जी। और ये जब कुंवर नारायण जब गुजर गए जी, हाँ। उनको पढ़ने के बाद वापस से एक उल्लास जगा जी। तो उस समय मैंने ये कविताएं एकदम से आई। अच्छा। 3-4 महीने में ही तो इनको मैंने फिर एक छापाने की तैयारी हो रही थी, तो एक लिट फेस्ट हुआ पौंडिचेरी में जी। तो उसकी वजह से हमने जल्दी से इसको छपवाया और वहीं रिलीज़ किया जी। और अभी एक छोटी सी पुस्तिका हमने जारी की है, वो है क्षितिजों के पार जी। उसमें भी कुछ अनुवाद जो किए थे मैंने अंग्रेजी साहित्य से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अनुवाद आप में अनुवाद बहुत अच्छा करते हैं, ये भी मैंने देखा आप, और मंच पर ही भी जब कोई कविता सुना रहा है हिंदी में तो आप उसका तुरंत ही अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा गुण आपके भीतर मैंने पाया। अनुवाद होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य अभी आप समझ लें कि शैशव काल में है जी। 100 साल का ही है द्विवेदी युग के बाद से, अभी तो 120 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो हम लोग जितना सीख सकते हैं, चाहे आप वेद पुराण से सीखो, चाहे आप पाश्चात्य साहित्य से सीखो, अलग अलग भाषाओं से सीखो, हमारे कवियों को बड़ा दिल रखना पड़ेगा और व्यापक होना पड़ेगा, और फिर आप प्रयोग कीजिए, आप जो अंदर से जो आ रहा है, पर अपने को छोटा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी तीसरी या चौथी सबसे बड़ी भाषा है विश्व में अभी भी। हालांकि कह सकते हैं कि पूरा विकास नहीं हुआ है, पर उसका अनुवाद से जोड़ना मेरे ख्याल से हिंदी के लिए अच्छा है,
मौलिक रचनाएं भी होनी चाहिए पर अनुवाद ज़रूरी है, तो मैंने अनुवाद से ही शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि मेरी कुछ कविताएं सफल जो हुई हैं वो अनुवाद में सफल हुई हैं। उससे मुझे खुशी भी हुई है कि मैं जो लय अंग्रेज़ी की थी वो हिंदी में उतार सका। बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से यदि हम अधिक करें तो उससे हमारी भाषा को, हमारे मन को, जो हमारा मानस है वो फैले, बड़ा हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं के लिए मेरे ख्याल से अनुवाद करना ज़रूरी है और हिंदी में मौलिक रचनाएं तो होनी भी चाहिए। अगस्त 2018 में आपने शायद काव्या फाउंडेशन का गठन किया, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, अब मैं सोचता हूँ तब, कि काव्य से के प्रति प्रेम, मेरे ख्याल से यही कह सकता हूँ। अब उसमें आगे जोड़ें तो एक तो जो वरिष्ठ कवि हैं, बड़े कवि हैं, उनको उनका सम्मान, और सम्मान ऐसे नहीं कि केवल सम्मानित कर दें, उनको उनकी जो रचनाएं हैं उनको लोगों के सामने और फैलाएं कि देखो ये अच्छा काव्य है, ये अच्छी कविता है, और जो युवाओं को प्रोत्साहित करके एक तरह का मेंटोरिंग प्रोग्राम या गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी दूसरी कलाओं में है उसको किस प्रकार साहित्य में लाया जाए, अगर वो हम कर सकें तो हम साहित्य की सेवा कर सकते हैं। और साहित्य की सेवा क्यों, देखिए कई चीज़ें हैं। एक तो युवाओं में जो एंटरटेनमेंट है उसका स्तर नीचे गिर गया है, वो तो बिल्कुल हिंसक, आजकल जो वीडियो गेम्स खेलते हैं और मूवीज़ देखते हैं, मेरे भी बच्चे, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा उस अपनी जो एस्थेटिक सेंस है, उनका एंटरटेनमेंट है, वो भी ऊपर उठे। क्योंकि आप जो हैं वही आपका एंटरटेनमेंट आपको बताता है कि आपको किस चीज़ में आनंद आता है। यदि आपको कोई आप अच्छी सी किताब लेके कोई महाकाव्य लेके बैठे हैं या फिर आप वीडियो गेम्स में किसी की पिटाई कर रहे हैं, बिल्कुल पता पड़ जाएगी कि आपका आपके चित्त की स्थिति क्या है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों में यह डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आए कि ये उत्कृष्ट साहित्य है, इसमें आनंद भी लेना चाहें, ये नहीं कि भागे, मेरे बच्चे भागते थे साहित्य से, अरे पोइट्री मत पढ़ो हमारे लिए, पर अगर वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाए तो वो भी शाम को जैसे अगर आराम करना चाहें तो किताब के साथ आराम करें, ना कि कोई नई तरह की बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म देखें जिसमें कोई कुछ सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। और यह नहीं कहता कि अच्छी फिल्में नहीं हैं, पर आजकल के युवाओं को इस तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं जो आप वो कला फिल्में भी देख सकते हैं, कला फिल्में भी देख सकते हैं, पर वो कहाँ देखते हैं। वो तो ज़्यादातर जो पॉपुलर देखते हैं तो वो उसमें कोई कला नहीं है। तो यह मेरा काव्य के प्रति आपकी मंशा थी कि आप जो काव्या के माध्यम से जो हमारे अच्छी कविताएं हैं और जो प्रकाश में नहीं आ रही हैं वो अनुवाद के जरिए न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर अन्य देशों में भी पढ़ी जाएं, पहचानी जाएं, उनकी एक उनकी रचनाशीलता का प्रकाशमान हो सके, इसकी भी एक योजना आपकी है। और आपकी ये भी शायद योजना है कि आप भारत में काव्या के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार के आयोजन करें, वर्कशॉप करें, राष्ट्रीय भाषाओं को बढ़ाएं। और चर्चाएं भी की हैं, हमने सीखा भी है बहुत कुछ, पर ये लगता है कि वरिष्ठ जो कवि हैं या साहित्यकार हैं उनके साथ अगर युवाओं को जोड़ें और एक प्रकार का कार्यक्रम शुरू करें, वर्कशॉप करें जिसमें उनको वो मेंटोर कर सकें, बताएं, केवल जुड़ें भी तो उससे भी कितनी आपको प्रेरणा मिलती है। मुझे जैसे मैंने कहा, मैंने भी दूसरों से बहुत सीखा जो मुझसे कहीं ज़्यादा जानते थे, और उससे आज जो भी मैं हूँ वो अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। तो ऐसी शिक्षक परंपरा हम अगर साहित्य में शुरू कर सकें तो मेरे ख्याल से ये नई चीज़ होगी, अच्छी होगी, हम सब के लिए अच्छी होगी। आजकल पूरी दुनिया के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहे हैं, और ऐसे समय में एक काव्या अपनी एक अलग पहचान बनाए, इसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं? तो जो मैंने तो यही सीखा है कि स्पर्धा से पहचान नहीं बनेगी जी। कि मैं किसी से कंपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो हूँ वही अपने आप को पेश करूँगा, मुझे किसी से आगे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा काव्य के प्रति प्रेम है,
मैं युवाओं को बढ़ाऊंगा, अनुवाद करूंगा, वरिष्ठों का आदर करूंगा। अगर लिट फेस्ट, कोई भी लिट फेस्ट जो इस बात का आदर करता है तो हमें चुन ले, नहीं चुने तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो लिट फेस्ट में सफल होने का नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो युवा अच्छा लिखते हैं उनको किस तरह प्रकाशित किया जाए, उनको किस तरह आगे बढ़ावा दिया जाए, पर वो मेरे ख्याल से अपने आप होता है। अगर हम ध्येय को आगे रखेंगे तो उसके हिसाब से काम चलेंगे तो हम गलत करेंगे। द मीन्स आर द वे, राइट, जैसे कहते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसी से आगे जो होगा वो वही प्रस्फुटित होगा। तो मेरे ख्याल से यदि हम जो हैं वही रहें तो अपने आप लिट फेस्ट भी शायद इसको जानेंगे। देखिए, साहित्य में एक पवित्रता की आवश्यकता है। तो कमर्शियल जो आप कह रहे हैं, आप उपभोक्तावाद होता जा रहा है। प्योर लिटरेचर, लिटरेचर एज लिटरेचर, साहित्य साहित्य के रूप में, जिससे हमको आपको प्रेम है, वो यदि हम करें तो अपने आप जो कुछ भी उठेगा वो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। हमको इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लिट फेस्ट इस पंथ का है, कौन सा लिट फेस्ट उस पंथ का है, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो अगर हम सबको खुला वातावरण दें और अपने आप पनपने दें तो मेरे ख्याल से जो सौहार्द, जो सौहार्द की तो कमी है, सौहार्द की कमी है, तो लिट फेस्ट भी अगर सौहार्द नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका अर्थ क्या है? तो वो सौहार्द, वो सहानुभूति जिससे अच्छा काव्य उठता है, मैं मेरे ख्याल से उन भावों की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें, उस रचनात्मकता, उस मौलिकता की तरफ ध्यान दें तो अपने आप जो निकलेगा वो अच्छा होगा और शुभ होगा। जी, आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके साहित्य की संस्कृति के प्रति, और हमारे विचारों के आदान प्रदान करने के लिए सद्भाव की आपने बात कही, आपने मित्रता की बात की, स्नेह की बात कही, और ये बात भी कही कि हम दूसरी फेस्टिवल से अलग कैसे हैं, इस बारे में आपने बहुत कुछ बताया। अब हम चाहेंगे कि आपकी कुछ कविताएं भी हम सुने, और हिंदी की भी और अंग्रेज़ी की, आप अपनी पसंद की कोई कविता हमें सुनाएं। तो मैं सबसे पहले अनुवाद सुनाता हूं, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से अनुवाद एक ऐसी विधा है जिसमें हम थोड़े से पीछे हैं। और अभी मैंने कुछ राजस्थानी में अनुवाद पढ़े थे, वो मुझसे बहुत अच्छे लगे। तो हम लोगों ने शायद अनुवाद को मौलिक रचना से हीन माना है, किंतु अनुवाद की अपनी विधा है, अधिक अपनी जटिलता है और कठिनाई है। तो अनुवाद तो दो भाषाओं का संगम है। हाँ जी, तो कई तरह से और कठिन हो जाता है। पर देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपको, शायद आपको पसंद आए। मेरे ख्याल से अनुवाद में अपनी खुद की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जाके अब ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो पहली वाली भाषा पढ़नी पड़े, जो आपने अनुदित भाषा में जो लिखा है वो अपने स्थान पर है। अनुवाद में ना शब्दानुवाद नहीं होता है। जी सब, जी सब, उसमें भाव भी वो आने जी, चाहिए, तब उसका महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कविता का नाम है सिंह, और शायद बचपन में आपने ब्लेक्स टाइगर पढ़ी होगी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, What dread eye or what dread hand dare frame thy immortal symmetry? मैं थोड़े से शब्द कुछ गलत हो गए हूँ। तो ये बच्चों को पढ़ाते थे, और ये बहुत एक तरह से तो सतही है कि वो टाइगर के बारे में बता रहा है, पर इसमें गहराई बहुत है, क्योंकि वह ईश्वर के बारे में बात कर रहा है कि किस जिसने इस टाइगर को बनाया उसमें क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। हाँ, अद्भुत बात है। तो मैंने उसको प्रयास हिंदी में अनुवाद करने का किया। तो इसका शीर्षक है सिंह। कौन था वह जिसने तेरा अद्भुत यह सांचा ढाला, किन अंधेरों और आसमानों में जली इन नेत्रों की ज्वाला, रात के जंगलों में उद्दीप्त थे कौन वे पंख अमर, जिनकी कल्पनाओं में उड़कर उसने एक दर्शन पाला, क्या वे हाथ थे, क्या थी वह कला जिसने तेरे दिल को जोड़ा, और जब हृदय धड़कने लगा लिए विध्वंस की हाला, क्या वह भय की पकड़ थी, क्या उन पंजों की जकड़ थी, क्या वह लोहा, क्या हथौड़ा भट्टी के उरमे डाला, जब तारों ने रोते रोते
फेंक दिया अपना भाला, वाह क्या, क्या तुझे बनाकर भी मुस्कराया, प्रेम पिता वह भोला भाला, कौन था वह जिसने तेरा अद्भुत यह सांचा ढाला, किन अंधेरों और आसमानों में जली इन नेत्रों की ज्वाला। बहुत खूबसूरत, बहुत अनुवाद अच्छा है आपका। स्वयं का विस्फेटिया शायद आपकी पिछले साल आई थी किताब जी, इसमें से आपको अपनी पसंद की एक तो जयपुर पद भी सुनाइए और दूसरी भी सुनाइए। ठीक है, ये एक तरह से मुझे पसंद है। हाँ, वो शून्य पर एक आपकी कविता है जी, शून्य पे। तो शून्य में इसमें मैंने थोड़ा श्लेष का प्रयोग किया है जी। जिन लोगों को बुद्ध का से थोड़ा सा बुद्ध के प्रति अनुराग है या जिन जो बुद्ध की थोड़ी सी समझ है उनको शायद ही अच्छा लगेगा जी। मेरा शून्य पूरा कर दो, मेरा शून्य पूरा कर दो, मेरा शून्य पूरा कर दो, बचा है जो ले जाओ तुम, खाली को खालीपन से और भर दो। वाह क्या, खाली को खालीपन से और भर दो, खाली को खालीपन से और भर दो, रिक्त कितना, रिक्त की अति हो जाए अतिरिक्त इतना, शून्य कितना, शून्य भी ना बचे कहने और सुनने को, बूझने से परे समझ जिसकी तल्लीन, हो जाए केवल शब्दातीत विचारहीन, इतना शून्य से तर दो, जो थोड़ा है बचा कुचा उसे और अत्यंत अधूरा कर दो, इस सच्चाई से अधूरा कि पूर्णता दरारों से लगे झांकने, यह लगे दरारों से झांकने कि पूर्णता दरारों से लगे झांकने, यह एक शून्य पूरा कर दो। अभी भी भरे हैं खचाखच, कुछ मैं आधे कच्चे इसमें, कुछ तुम आधे सच्चे इसमें, कुछ ख्याल खिड़की की ताक पर आते नजर, कुछ भावनाएं कुंठित आले में, यादें कुछ कोठरी के छिपे अटाले में, कुछ इयत्ता दबे तहखानों के जाले में, मत पड़ो अब कुछ आंखने, इनका सूनापन और सूना कर दो, इस शून्य को पूर्ण से वर दो। अब भी बंधा हूं कुछ संबंधों में, रोता हूं अब भी माँ की सिसकियां सुनकर, दीमक का घर है मेरा घर, दीवालें छूता हूं तो उखड़ आती हैं परतें, अंगुली के दबाए से ईंट चूना पत्थर बन जाते सुराख, ढहते हैं अंदर के खाए से, उन्हीं के साथ सोता हूं, खाता हूं अपना रक्त पिलाता हूँ, ऐसी सनसनी उठती है तन मन में, दीमक रेंगती जैसे अंग अंग में, टूटती यह काया भी ले जाओ, मेरा शून्य पूरा कर दो। डॉक्टर परीक्षित, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई अभी स्वयं का घुसपैठिया से, लेकिन हम चाहेंगे कि एक जयपुर पर भी आपकी एक कविता होनी चाहिए, क्योंकि आपका जयपुर आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। तो जयपुर पर जो कविता थी वो मैं जब आखिरी बार एक बार आया था 98 में, उसके बाद मैं करीब 8-9 साल तक नहीं आया जी। और जयपुर मुझे बहुत सुंदर प्रतीत होता था। मैं वापस आया तो मुझे एक अचानक मैं हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, गंदगी ज़्यादा फैल गई, सब जगह घर ही घर बना दिए गए। जो सौंदर्य था पुराने शहर का, जो आप जानते हैं कितनी अच्छी तरह से उसकी बनावट है, उसका आर्किटेक्चर है, वो सब मटिया मेट हो गया। तो अब मैं पहचान भी नहीं पाया मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ सड़कें मुझे समझ में नहीं आती थी अब। तो उस पे मैंने कविता लिखी है। स्वागत है। अपना घर खो चुका हूँ मैं, तुमने मेरे खुले आयाम, फैले मैदान बंद कर दिए संकुचित। न तुम गगन चुंबी हुए अपनी इमारतों में, और जमीन भी छोड़ गए त्रिशंकु, और मैं भी 25 साल बाद एक ही गति में खोया, मेरा घर कहीं किसी और का हो गया, मुझे तनिक भी अंदेशा न हुआ। वो चौकोर शहर जिसकी सभी गलियां कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर मिल जाती थीं, जहां कोई खो न पाता था, स्पष्ट विकसित सांस्कृतिक, जहां गुलाब खिलते थे पत्थरों में, उसे काट पीट कर बांट छांट कर कितना छोटा और मटमैला कर दिया है।
अब मैं जो कभी राह पूछता तक न था अपने आप को ढूंढता फिरता हूँ। यहाँ की यात्रा अब स्वयं में नहीं, बाहर किसी और गति में छिपी गंदी दर्दनाक भीषण असुंदर हो गई है। प्रगति से क्या करोगे, मुझे मेरा घर ढूंढ दो, जो खुलापन घोंट दिया उसके प्राण वापस कर दो। कैसे अपने आप को खो के घर को पाऊंगा, राहें मिटाकर अपनों तक जाऊंगा। आणविक विस्फोट क्या हुए, उससे भी बड़ी हॉलोकॉस्ट है मानव चित्त, अभद्रता असभ्यता असंस्कृति, यही है तुम्हारी कृति। मेरी पहली प्यास फिर लौट आई है, माँ की आस अब आंसू हो रो आई है, और खोजने की आकांक्षा नितांत आत्म संरक्षण में खो आई है। मुझे मेरा शहर लौटा दो, मैं अपना घर खो चुका हूँ। आपके अंग्रेजी पर भी पूरी साधिकार, आप अंग्रेजी में भी लिखते रहे हैं और अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं आपकी बहुत पॉपुलर भी हुई। राधाज गीत तो आपने उस दिन सुनाया भी था, उसमें से कोई एक अच्छा सा गीत या आपका पसंद का दो गीत भी आप सुना सकते हैं, हम सुनना चाहेंगे। तो राधाज गीत वैष्णव रीति में लिखी गई हैं जी। राधा जी के विभिन्न भाव, और ये केवल राधा जी नहीं, कोई भी जो ईश्वर से प्रेम करता हो उसके किस तरह के भाव उठते हैं, उन सबको थोड़ा सा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। I took your flute and threw it away somewhere in the woods unknown to you. And what did you do? You stood there and smiled, giggled almost at my mischievous ways, as if you knew what I did. Then, in a moment's impulse that is yet a blur, you reached forward suddenly and kissed me lip to lip. I have yet to regain that old self I knew as I, recover that partial bliss. Now you play the flute of this emptiness caught in a reed. The limbs hear your melody, note by note, the trees and beasts whirl with star and moon. Move to the unheard silence I hold within. There is nowhere to go but be the plaything of your music. What I took away from you with nonchalance, Krishna, you turned into me. ये एक भाव था। दूसरा भाव a moon ray stole. A moon ray stole through my window last night, played by the little idol on my altar, curled into a smile on my lips. All through the night, it played by my side, keeping me adrift through dreams, the golden background of awareness. The moon through clouds, conspiring with a wink, hid time and again, but the moon ray stayed by me. It giggled and hid among shadows, peeked and lit my corner with mischief and surprise. And as I drifted slowly into our dance, gathered into glow and settled on my lids. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इन अच्छी रचनाओं के लिए, और हम चाहते हैं कि काव्या और आपकी काव्य धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे, इसी तरह चलती रहे और मंथर गति से नहीं बल्कि तीव्र गति से आपकी ये यात्रा निरंतर 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 चलती रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर परीक्षित, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।